अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई जैसे कि ईद का चांद नज़र आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है, ड्यूटी पे हैं इस वक्त, सुबह हमें छुट्टी मिलेगी 7 बजे। 7 बजे दूसरे गार्डों ने आना है, हमने जाना है, और नमाज़ है 7:15 बजे। ठीक है, मसला ये है कि नमाज़ पर कैसे पहुँचेंगे। दूसरे गार्ड आएंगे भी नहीं, मुझे पता है वो नमाज़ पढ़ के ही आएंगे। हम यहाँ पे लोकेशन पे फंस गए, हम नमाज़ कैसे पढ़ेंगे? अब ये पता चलेगा तब जब हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पहली ईद कराची में कैसी रहती है, पढ़ते भी या फिर नहीं पढ़ते, बाद में आपको अपडेट दे देंगे। अरे ना करी ना करी। अरे चाची वीडियो भाई, ये हमारी चाय बन रही है गाढ़ों की, आप देख सकते हैं माशाल्लाह चाय उबल रही है, इसको पिएंगे हम थोड़ी देर में। और ये हमारा चूल्हा है, देखें हमने किस तरह की सब बनाया है। बड़ी टेंशन खाई जा रही है यार। 7:15 हो चुके हैं, 6:15 हो चुके हैं, गार्ड्स अभी तक नहीं आए, हमें जाने के लिए इजाज़त नहीं है, नमाज 7:15 पे होने वाली है, अब क्या करें। ऐसा हो सकता है अगर इस लोकेशन को खाली छोड़ दिया जाए, यहाँ पे कोई गार्ड ना बैठे, नमाज पढ़े फिर आगे बैठे, ऐसा हो सकता है, वरना दोनों नहीं पढ़ सकते, ना दिन वाला ना रात वाला। इसीलिए तो कहते हैं अपना छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, कम से कम बंदा किसी का पाबंद तो नहीं रहता। नौकरियों में यही लफड़ा होता है, कोई काम ना भी हो, हुक्म है, बैठो बैठो, छोड़ दो, अफसोस। भाई जैसे तैसे घर के लोकेशन छोड़ के तो आ गया हूँ, बाकी आके अल्लाह मालिक है, सुपर वेजर डांटते हैं या क्या करते हैं, खैर कोई बात नहीं, ड्यूटी के वैसे भी हम 1 महीने में छोड़ने वाले हैं। नमाज के लिए बहरहाल हम निकल आए अपनी लोकेशन को छोड़ के। गेट वाले बोल रहे थे कि भाई नहीं जाओ, इजाज़त लेनी होती है, इजाज़त नहीं है जाने की क्योंकि दूसरा बंदा नहीं आया। मैंने खैर दूसरे बंदे को छोड़ा, आधा घंटा पहले जा रहा हूँ, बस रख ले, 6:30 बजे निकला हूँ, 7 बजे आना था, वो भी आज नहीं आएंगे, नमाज़ पढ़ के ही आएंगे, सारों की नमाज़ पढ़नी है भाई, क्या करें, मजबूरी है। आज हम जहाँ पे ईद नमाज अदा करने वाले हैं वो है कराची यूनिवर्सिटी की मस्जिद, देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी तक कोई बंदा बंदा तो नहीं आए, बहुत ही कम ही लोग आए। टाइम तो था 7:15 का, 6:40 बज रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, मेरे ख्याल से ईद नमाज़ थोड़ी लेट होगी। तो एक बार अंदर से भी आपको मस्जिद दिखा देते हैं। हो गई ईद नमाज, अब शाम को अल्लाह मालिक जो भी होगा शाम को देखा जाएगा, नमाज पढ़ ली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखने वाले को मेरे दोस्त को ईद मुबारक। तो भाई जाने के लिए हम तैयार, हो चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। जो हमने सुबह को काम किया है, मैं खाना अपने साथ नहीं लेके जा रहा क्योंकि हो सकता है कि वो हमें नौकरी पे रखें ना, और अगर रख भी लें तो पानी से गुजारा चलाएंगे, सुबह आके नाश्ता करेंगे। वाह भाई माशाल्लाह, आज तो मौसम भी काफ़ी सुहाना है, ये देख रहे हैं, सुहाना। सही कहा है किसी कहने वाले ने, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ वहाँ पे पढ़ ली थी और ड्यूटी पे भी आ गया, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, और बाकी की नमाज़ें हम लोकेशन पर ही पढ़ते हैं, देख सकते हैं। अभी हमने नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी हमारा गुस्सा भी आ जाता है, फिर लोकेशन छोड़ के चले गए थे, नमाज ईद की पढ़ ली थी। अरे भाई आप लोगों को एक बात तो बताना भूल गई, आज हमारी कंपनी ने हमारे लिए भेजी है बिरयानी, दिखा दें, मैं खा बैठा हूँ, बाद में ज़्यादा दिखा दें, ये देखें ये जनाब आ जाइए कंपनी की तरफ से। सही है,